आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला अमरोहा के ब्लॉक जोया के गांव हसनपुर कला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 20 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 14 किलोमीटर है। 1300 वोट और 4000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती रजनी ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। बताते चले कि इस गाँव में सांसद, विधायक, जिला पंचायत व ब्लॉक प्रमुख के द्वारा भी गाँव में काफी विकास कराया गया है। ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी और सचिव विपिन कुमार के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गाँव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान पति की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं जिला अमरोहा के ब्लॉक जोया के हसनपुर कला ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और किस तरह की समस्याएं यहां अब भी गांव में मौजूद हैं, किस तरह यहां कोरोना काल के चलते प्रधान द्वारा गांव में लोगों को सहयोग मिला है, इस सब की पूरी जानकारी हम यहाँ ग्राम प्रधान पति से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान पति से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि ये कार्यकाल लगभग पूरी तरह से समाप्ति की ओर है, अब इस बीते समय में क्या क्या विकास कार्य गांव में करवाए आपने? इस समय पूरे 5 वर्ष के टाइम में सबसे पहले रास्ते की समस्या थी वो दूर कर दी गई है। शौचालय की व्यवस्था गवर्नमेंट से मिली हुई थी, प्रत्येक घर के लिए शौचालय बनवा के ओबीएस करा दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन सब बनवाई गई हैं और जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं थे उनके कार्ड बनवाए गए हैं। आवास वगैरह मिले हैं? आवास वगैरह अभी सरकार से कोई प्राप्त नहीं हुआ, एक भी आवास प्राप्त नहीं। तो क्या यहाँ कुछ परिवार हैं ऐसे जिन्हें? हाँ, ऐसे परिवार हैं जिनके नाम की सूची। कितने परिवार होंगे? परिवार तो 20-22 परिवार ऐसे हैं जो आवास के पात्र। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट लगी है? हाँ, सोलर लाइट वगैरह लगाई गई है। डस्टबिन रखवाए हैं? डस्टबिन वगैरह भी लगे हैं। स्कूल में कार्य कराए गए हैं, टाइल्स वगैरह ये सब लगाई गई हैं। जी, जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, किसानों को सम्मान निधि का पैसा भी इनके खाते में आ रहा है, तो आपकी ग्राम पंचायत में कितने परसेंट लोग इन योजनाओं का पूरा लाभ ले पाते हैं? 80% लोगों को लाभ मिल चुका है उज्ज्वला योजना का, किसान सम्मान निधि इसका भी खाते में पैसा आ रहा है। जी, और जो वंचित रह गए हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन करा के सारे कार्य पहुँचा दिया गया है। रास्ते आपके ग्राम पंचायत में सभी पक्के हो गए हैं? अभी भी रास्ते कच्चे बाकी रास्ते हैं जो कच्चे नहीं, खड़ंजा है जिनके बाकी। रास्तों में जैसे आपने बताया कि यहाँ पर जो और जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आपने मदद दी है, तो जी हम माननीय सांसद जी से, सांसद से ली गई और मुख्यमंत्री महबूब अली से, विधायक हैं मौजूदा में MLC परवेज अली, प्रमुख जी दुर्गाकार अली। जी, लगभग सभी जनप्रतिनिधि से आपने यहाँ गांव में मदद लेकर के रास्ते बनवाए। जी, अपने गांव में और ज़्यादा विकास करने के लिए, इसको और ज़्यादा पूरा एक जो है विकसित विकासशील गांव जिसको आप कहेंगे, उसे पूरी तरह से बनाने के लिए किस तरह की समस्या आपको गाँव में यहाँ लगती है कि जिसको सबसे पहले अगर सरकार की मदद मिले तो आप चाहेंगे कि वो दूर की जाए? सबसे पहले इस समय तो आवास की आवश्यकता है। पहले कई लोग जो है बेघर हैं, कमजोर स्थिति में रह रहे हैं, जगह मकान है उनके, उनको आवास मिल जाए तो और बेहतर होगा। जी, रोड से मिला दिया गया है गांव को, जो अंदर के रास्ते सरकारी बिल्डिंग में जैसे स्कूल के अलावा पारा घर, पंचायत घर, ये बने हुए हैं, आंगनबाड़ी केंद्र मैंने स्वतः बनवाया है। जी, खेल का मैदान तो इस समय स्कूल में प्रांगण है और बाकी कहीं अलग है। जी जी, अस्पताल है, उपस्वास्थ्य केंद्र है, जो स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बना हुआ है उसमें दवाइयाँ या डॉक्टर बैठते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, उनका कार्य रहता है तो वो जर्जर हालत में है। जी, इसीलिए विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्य कराता है। जी, बाकी वहाँ की कोई सुविधा यहाँ गांव में लोगों को नहीं मिलती है? नहीं, वैसी कुछ 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा समय पर मिल जाती है? हाँ, वो सर। जैसे कि कोरोना महामारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, दिन ब दिन आंकड़े जो हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं अपने भारत में, तो इसको लेकर आप कुछ गाँववासियों से कहना चाहेंगे? गाँववासियों से ये पालन करें और बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने घरों से जो बाहर निकले मास्क लगा कर निकलें, इस तरीके से बचाव हो सकता है। अब जैसे कि कई जगह पर देखने में आता है, कई ग्राम प्रधान से जब हम बात करते हैं तो कई तरह की परेशानियां, दिक्कतें वो बताते हैं कि सामने आ रही हैं, जब माफ होने को जा रहा है तो समय बीतने के साथ साथ उनकी दिक्कतें थोड़ी बढ़ती जा रही हैं, जनता के और उनके बीच के तालमेल को लेकर के, कुछ पैसे के भुगतान को लेकर के, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
ऑनलाइन पेमेंट है, प्रधान की समस्या ये है कि अगर मार्केट आप जाएंगे सामान आपको नगद छूट देगा कोई आदमी, उधार देने वाला है नहीं, उसकी पेमेंट व्यवस्था है तो प्रधान अपनी जेब से करें या दुकानदार तालमेल बैठे हैं उधार लेके आए क्या करें, ये थोड़ी समस्याएं हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि सर पेमेंट समय से मिल रहा है, अकाउंट में पैसा पड़ा है, फाइल कम्प्लीट होने के बाद पेमेंट जारी कर दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन बीते कार्यकाल में यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास यहाँ एक भी परिवार को नहीं मिला है, जबकि लगभग 20 से 22 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। इसी को लेकर यहाँ ग्राम प्रधान ने सबसे ज्यादा प्रमुख मांग रखी है कि यहाँ गरीब जनता को जो पात्र मानक है उन्हें आवास यहाँ पर जो है मिल जाने चाहिए। इसके साथ ही यहाँ जो और जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक या प्रमुख, इन सब से भी यहाँ मदद लेकर गांव में काफी विकास करवाया गया है, सड़कों का, स्कूल में भी मिशन कायाकल्प के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है। यहाँ पर बारात घर या पंचायत बारात घर यहाँ निर्मित नहीं है और सामुदायिक केंद्र जो कि यहाँ बना हुआ है लेकिन उसकी हालत काफी जर्जर है और उसकी किसी भी सुविधा का लाभ यहाँ लोगों को नहीं मिल पाता है। अशरफ अली के साथ नाजरीन। क्या नाम आपका? कयूम नाम। कहाँ के निवासी हो? हसनपुर कला। यहाँ पे लगभग 4.5 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान जी कार्यकाल को, विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया काम कर रहा है उन्होंने। किस तरह से? रास्ते भी और क्या नाम है, चारों तरफ गाँव के अंदर कोई कच्चा रास्ता है हमें तो नजर आ ही नहीं दिया, बहुत ही बढ़िया काम करा है। अच्छा, आप इनके कार्यकाल से सहमत हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया।